सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 15 लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लॉस क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द टोटल. लिखते जाओ मेरे साथ साथ एंड नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाने हैं. टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो हम क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. दिस इज नथिंग बट लॉस जिसको हम, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे. नाउ देर आर टू की अजम्पशंस जो लेके हम चलेंगे. नाउ व्हाट आर दीज टू की अजम्पशंस? दीज टू की अजम्पशंस आर नंबर ऑफ क्लेम्स या फिर क्लेम अकरेंस, नंबर ऑफ क्लेम्स एंड क्लेम अमाउंट्स. क्लेम अमाउंट्स, दीज टू आर एंड कैन बी स्टडीड सेपरेटली. यानी कि इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी या मॉडल कर सकते हैं, ठीक है. तो एक लाइन लिखना इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे राइट टू लाइन्स. क्लेम अकर्स अकॉर्डिंग टू सम सिंपल मॉडल. क्लेम्स अकर अकॉर्डिंग टू सम सिंपल मॉडल फॉर इवेंट्स अकरिंग इन टाइम. क्लेम अकर्स अकॉर्डिंग टू सम सिंपल मॉडल फॉर इवेंट्स अकरिंग इन टाइम, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि हम जो क्लेम आ रहा है, नंबर ऑफ क्लेम्स जो आ रहे हैं हमारे पास, क्लेम अकरेंस जो हो रहा है, इसको हम अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट लाइन. देयरफॉर देन द अमाउंट ऑफ क्लेम. तो ये हमने पहले नंबर ऑफ क्लेम्स की बात किया कि नंबर ऑफ क्लेम्स कैन बी मॉडल्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इवेंट्स अकरिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है. CS1 में हमने पढ़ा था अराइवल रेट, पॉइजन प्रोसेस, अगर आपको याद हो तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम अराइवल रेट करते हैं. सो द नंबर ऑफ क्लेम्स या द क्लेम अकर्स अकॉर्डिंग टू सम सिंपल मॉडल फॉर इवेंट्स अकरिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम. दिस वॉज लाइन वन. सेकेंड लाइन में लिख लो, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ क्लेम इज चोजन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइबिंग द क्लेम अमाउंट. Therefore, the amount of claim is chosen from distribution describing the claim amount. यानी कि दोनों को हम अलग अलग distribution से model कर सकते हैं. Claim, occurrence of claim, claim numbers को and the amount of claim. ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग model कर सकते हैं. अब क्या होगा कि when you have this distribution, ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, this is just a example which I am showing you all. कुछ ऐसा अगर हम इसका बार चार्ट बनाने का कोशिश करें, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा इसका बार चार्ट. सो दिस इज वॉट, यहाँ पे इन एक्स एक्सिस वॉट आर वी मॉडलिंग, वॉट आर वी, एक्स एक्सिस पे है हमारा क्लेम अमाउंट, वाई एक्सिस पे हम बोल सकते हैं क्लेम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ क्लेम्स. तो ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना. इसके ठीक नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड इन दिस चैप्टर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज आवर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 15. अगेन विद दिस इज अ पार्ट ऑफ CT6. तो हम CT6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, CT6 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वील कंप्लीट CT6 एंड देन वील मूव ऑन टू CT4 वाले चैप्टर्स. सो राइट डाउन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड इन दिस चैप्टर आर यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ये दिख रहा है. दिस इज नथिंग बट एक्चुअल क्लेम अमाउंट जो हमारे पास आए हैं, वो डेटा लेके हमने इस फ्रीक्वेंसी प्लॉट को बनाए हैं. इस बार प्लॉट को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग द एक्चुअल डेटा विच वॉज गिवन टू अस. ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है. सो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज इन दिस चैप्टर आर यूज टू अप्रोक्सीमेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज कॉल्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली वील यूज, वील ट्राई टू मॉडल, वील ट्राई टू फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन
वी विल स्टडी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस विच थ्रू विच यू कैन मॉडल दीज काइंड ऑफ लॉसेज. ठीक है, लॉसेज आर वॉट टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. तो अगर हम कुछ मॉडल बनाने की कोशिश करें तो वो ऐसा कुछ बन के डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जो मैंने रेड लाइन में बनाया. ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं. जनरली दो चीज़ होता है, जनरली दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड. ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है जनरली आर डिस्ट्रीब्यूशन. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लॉन्ग टेल्ड. लॉन्ग टेल्ड, ठीक है, दीज आर द टू की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जनरली. तो आपको दिख रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड है एंड लॉन्ग टेल्ड है, यानी कि नंबर ऑफ क्लेम्स विथ हायर क्लेम अमाउंट्स बहुत कम होते हैं एंड नंबर ऑफ क्लेम्स विथ लोअर क्लेम अमाउंट्स आर हायर. ठीक है, बहुत सारे क्लेम्स आते हैं जिनका क्लेम अमाउंट छोटा होता है एंड बहुत कम ऐसे क्लेम्स आते हैं जिनका क्लेम अमाउंट बहुत हाई होता है. क्लियर, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लॉन्ग टेल. सो नाउ मूविंग ऑन, वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू बेसिक नोटेशंस जो आपने CS1 में पढ़ा है या CT3 में पढ़ा है. जस्ट अ क्विक ओवरव्यू ये देखने के लिए कि आपको याद है कि नहीं, कितने अच्छे से आपको याद है. सो गिव द हेडिंग बेसिक नोटेशंस, गिव द हेडिंग बेसिक नोटेशंस. क्लियर, चलो स्टार्ट. ये अब आपका टेस्ट है. जिन्होंने अभी CS1 का टेस्ट एग्जाम दिया, ये फिर से आपका टेस्ट है. चलो PDF को हम कैसे लिखते हैं, PDF को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल FX इज आर PDF. CDF आप कैसे लिखते हो, CDF आप कैसे लिखते हो, कैपिटल FX. क्लियर है, कैपिटल FX ये हमारा CDF हो गया, ये हमारा CDF हो गया. व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ X, एक्सपेक्टेशन ऑफ X कैसे निकालते हैं हम. Expectation of x is calculated as x integration of x fx, यानी कि multiplying कोई भी चीज़ का अगर हमें expectation निकालना है, multiply that thing with its PDF. तो ये हो गया when it is of continuous case. Otherwise, if it is of discrete, तो हम summation लेते हैं for all values of x, x probability of x equal to x. This is in case of discrete and this is in case of continuous. सिमिलरली वेरियंस आप कैसे निकालोगे, वेरियंस ऑफ x या फिर खाली v ऑफ x भी हम लिख सकते हैं. ये हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर. इसको हम कैसे लिखते हैं, अगेन अगर हम कंटिन्यूस मान के चले x स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बोला, एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग That thing multiplied by its PDF. Correct? तो उसका हमने integral ले लिया if it is a continuous distribution which is given to us. तो ये सारा आपको लिखना है, ये सारा आप लिख लो as a revision. Similarly, what is covariance xy? What is covariance of xy? Again, very simple, expectation of xy minus expectation of x multiplied by expectation of y. Very simple. तो सारे notations आपको फटाफट अपने copy में लिखना है. Just a quick revision which I am giving you all today. बहुत ही light class होगा. And then after this, if I ask you, what is the expansion of ex? काफ़ी लोग भूल गए हो. जिन लोग एसिड देते हैं ना, उनको ये सब याद रहता है. जिन लोग नहीं भी देते हो, टेबल बुक खोलो, टेबल बुक में आपको सारे मिल जाएंगे. व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, याद नहीं आ रहा. इट्स वेरी सिंपल, 1 + x + अच्छा यहाँ पे 1 factorial ले लो, x² / 2 factorial + x³ / 3 factorial एंड सो ऑन. इट्स अ नेवर एंडिंग सीरीज. दिस इज द एक्सपेंशन. आपको सब कुछ लिखते जाना है मेरे साथ साथ. एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स. नाउ इफ आई आस्क यू, वॉट इज
हाउ कैन यू राइट एनी सिंपल पॉलीनोमियल. कोई भी एक सिंपल पॉलीनोमियल अपने क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, अपने कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी आर माई कॉन्स्टेंट्स, ए बी एंड सी आर माई कॉन्स्टेंट्स एंड दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. वैसे क्यूबिक पॉलीनोमियल भी होता है ना, वी हैव डिफरेंट पॉलीनोमियल्स. सो दिस इज अ बेसिक पॉलीनोमियल विच आई हैव गिवन यू, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी हम सीखेंगे. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी वी लर्न, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलो कम देखो इन्फिनिटी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस सी, सी इज एनी रैंडम नंबर, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो, ठीक है, एनी नंबर यू कैन थिंक ऑफ, 10,000, 1,000,000, एनीथिंग. व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस सी? इन्फिनिटी में आप एक छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हो, क्या आएगा रिजल्ट? ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगा. इफ आई से इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी तो हुआ ना, इन्फिनिटी प्लस 10,000, इन्फिनिटी हुआ ना, सो इट्स इन्फिनिटी, वेरी सिंपल, ठीक है. इफ आई से इन्फिनिटी माइनस सी, इन्फिनिटी माइनस 10,000, इन्फिनिटी माइनस 2, इन्फिनिटी माइनस 1,000,000, इन्फिनिटी आएगा, करेक्ट. सो द आंसर इज इन्फिनिटी. नाउ इफ आई से इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो आप क्या सी इन्फिनिटी लिखोगे? इट्स अगेन इन्फिनिटी, करेक्ट. एंड इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय, और लेट मी गिव अ डिवाइड का सिंबल साइन, डिवाइडेड बाय सी, अगेन इन्फिनिटी. इन दोनों केसेस में वी आर अज्यूमिंग दैट सी इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, हम नेगेटिव नहीं ले रहे, सी इज ग्रेटर दैन 0, करेक्ट. नाउ इफ आई आस्क यू माइनस इन्फिनिटी प्लस सी, माइनस इन्फिनिटी प्लस 2, माइनस इन्फिनिटी प्लस 3, माइनस इन्फिनिटी प्लस 100, क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी. सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी इफ आई से माइनस सी, अगेन माइनस इन्फिनिटी बचेगा आपके पास. इफ आई से माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई सी, अगेन माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट. माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई सी, अगेन माइनस इन्फिनिटी. तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अगेन आई एम अज्यूमिंग कि सी इज ग्रेटर दैन 0, हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं सी का. तो क्या होगा? एनी थिंग यू आर मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, एनी थिंग यू आर डूइंग विथ इन्फिनिटी, एनी नंबर विल गिव यू इन्फिनिटी इटसेल्फ. या फिर माइनस इन्फिनिटी के साथ करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आपको रिजल्ट मिलेगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है. अब मैं आपको टेस्ट करती हूँ. इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या होगा आंसर? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुन के, सो आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सपोज इफ आई से दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एंड इफ आई से 0 और 1 के बीच में देर आर इन्फिनिटी नंबर्स है, हमें पता है. सिमिलरली 0 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स है, तो ये एक इन्फिनिटी हुआ, ये एक इन्फिनिटी हुआ. नाउ आई एम आस्किंग यू इन दोनों इन्फिनिटी को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? इन्फिनिटी मिलेगा करेक्ट. अगेन इफ आई आस्क यू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? माइनस टू इन्फिनिटी? नहीं, वापस सेम चीज, माइनस इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? दो इन्फिनिटी को ऐड कर रहे हो, 0 से 1 एक इन्फिनिटी हुआ एंड 0 से 2 एक इन्फिनिटी है. इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? अगेन एन इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है. अब मैं बोल रही हूँ इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 0, ऑब्वियसली 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव यू अ 0, क्लियर. तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, इसको फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई आस्क यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 0 डिवाइडेड बाई 0, क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. क्या इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी 1 है? अगर मैं बोलूँ 0 से 2 इज एन इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाई 0 से 1 इज एन इन्फिनिटी, तो क्या इसका आंसर 1 होगा? गलत. इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज नॉट 1.
सिमिलरली 0 बाई 0 क्या 1 होता है? नहीं. तो ये इसको अब हम लोग सीखेंगे कि इसको अब हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं. जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी लिख लो कॉपी में. अब इसके बाद हम कुछ दो, मैं आपको जल्दी से दो प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ लिमिट्स के, फिर हम इसके बाद एक बहुत अच्छा सा लिमिट सॉल्व करेंगे. मैं आपको बता देती हूँ लिमिट, इफ़ आई एम सेइंग लिमिट ऑफ x टेंस टू ज़ीरो ln x क्या होता है, एंड दूसरा मैं पूछ रही हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी ln x क्या होता है, क्या बोलोगे? इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू ज़ीरो ln x क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी. इसको लिख लो जल्दी से. एंड वी ऑल नो दैट ln 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी. तीनों जल्दी से कॉपी कर लो. लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ln x इज माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, जितना x विल टेंड टू 0 ln x विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी. जितना x विल टेंड टू इन्फिनिटी ln x विल टेंड टू इन्फिनिटी. क्लियर है? इसको लिख लो. अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्रॉपर्टी करेंगे. सपोज इफ आई आस्क यू, ये कॉपी कर लो जल्दी. नाउ इफ आई आस्क यू, ये एक रिजल्ट हम लोग डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे. लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल x डिवाइडेड बाय ex. इसको मैं अगर आपको सॉल्व करने बोलूँ तो कैसे, कोई भी पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल लेके करते हैं. चलो हमने जो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया था उसी को लेंगे, क्वाड्रेटिक. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय ex का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, मैंने लिख रही हूँ उसको, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. करेक्ट? एंड सो ऑन. इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है. अब सपोज हम इन्फिनिटी डाल दें सारे x के वैल्यूज में, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस सी इज ऑब्वियसली इन्फिनिटी. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर अगेन इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सॉल्व कर पाएंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 लिख सकते हो? नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड. इसका एक रूल होता है, लिख लो. वी डिवाइड बाय द highest power of x of polynomial x. We divide both numerator and denominator by the highest power of x of polynomial x. highest power of x of polynomial given. तो ये polynomial का highest power is x square. तो denominator numerator दोनों को x square से divide कर देते हैं. x tends to infinity हो गया. Divide करो. चलो a, खुद से करना है बिना देखे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय x. हम x स्क्वायर से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, c बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो, x बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. करेक्ट? ये आया आपका, ये आया सबका? ठीक है, ये आया. अब इसके बाद नाउ वी पुट द वैल्यू इन्फिनिटी. क्या आएगा, a प्लस बी बाय इन्फिनिटी, एनी थिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, 0. सी बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, सी बाय इन्फिनिटी 0. डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 1 बाय इन्फिनिटी 0, 1 बाय इन्फिनिटी 0, प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी
बोल सकते हो इसको प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरा एक 2 फैक्टोरियल और आएगा, ठीक है? तो 2 फैक्टोरियल यहाँ और ले लो, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये, तो एक्स एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी क्यूब, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी आ गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया। सो दिस इज अगेन वॉट, एनी थिंग सी, हाफ इज सी, एनी थिंग प्लस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बाय इन्फिनिटी इज वॉट, सम एनी थिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो। सो दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टेकन आउट, दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टेकन आउट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी पावर, बी इट एक्स टू द पावर 10,000, एक्स टू द पावर 1,000, जो भी पावर होगा उसके हाईएस्ट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, एंड यू विल गेट योर आंसर ई एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसको अच्छे से लिख लो, कॉपी दिस डाउन, ठीक है? दिस इज अ जनरल रिजल्ट विच वी हैव प्रूव्ड, ये हमें आगे काम आएगा, या फिर आप इसको और अगर आपको जनरलाइज करना है तो इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स, और जनरलाइज कर दिया हमने इसको, ठीक है? कॉपी दिस डाउन, ठीक है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम करेंगे गामा फंक्शन। अगर टेबल बुक है आपके पास तो टेबल बुक का पेज नंबर 5 खोल लो, उसमें दिया हुआ है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, वी आर राइटिंग इट डाउन। पेज 5 ऑफ टेबल बुक में पूरा दिया हुआ है, मैं बोलते जाऊंगी क्योंकि काफ़ी कुछ टेबल बुक में दिया हुआ रहता है, सो आई विल जस्ट कीप ऑन टेलिंग यू पेज नंबर, आप उसको लिखते जाना साइड में ताकि बाद में आप उसको रेफर कर पाओ। सो वी राइट गामा, कैसे लिखते हैं हम गामा, सपोज मैं बोल रही हूँ गामा ऑफ एक्स, नाउ देर आर 2 केसेस, हम इंटीजर केस ले रहे हैं, तो इंटीजर ऑफ एक्स, गामा ऑफ एक्स वेर एक्स इज एन इंटीजर, होता है एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 10 गामा, मैं बोल रही हूँ क्या होगा, तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल, क्लियर है? 9 फैक्टोरियल। और फॉर नॉन इंटीजर वैल्यू गामा ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस वन का गामा। सो सपोज If I say, what is 2.5 gamma? So this is a non-integer number. So how will we write it? 2.5 minus 1. 2.5 ka gamma. Again, this will be 1.5. So what happened? 1.5 ka gamma. फिर इसको वापस और हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 1.5 के गामा को और कैसे लिख सकते हैं, 1.5 माइनस 1, एंड बताओ कैसे लिखोगे, वन पॉइंट फाइव माइनस वन करते जाओ ब्रेक, क्या होगा 0.5 का गामा। अब 0.5 को कैसे तोड़ोगे, तोड़ नहीं सकते, 0.5 का अगर आपने टेबल बुक खोल लिया आपको दिख गया होगा, 0.5 के गामा को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। जल्दी से कॉपी कर लो, 0.5 गामा या फिर हाफ गामा, गामा ऑफ हाफ इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ पाई। जल्दी से कॉपी कर लो, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है। करेक्ट, दिस इज नथिंग बट गामा फंक्शन।
नेक्स्ट अब देर इज नो वे नाउ यू लास्क मी अगर 0. इफ यू लास्क मी 0.6 है तो उसको कैसे करेंगे, 0.6 गामा है या फिर 0.4 गामा है, देर इज नो वे टू सॉल्व दीज. ठीक है, थ्योरेटिकली आप नहीं कर सकते हो, आर में आप कर सकते हो, थ्योरेटिकली आप नहीं कर सकते हो. चलो मूविंग ऑन फ्रॉम गामा इज आर वेरी फेवरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हम सबका फेवरेट है फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से हमने एक्चुअली करना स्टार्ट करा है तब से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो ये तो आई डोंट थिंक मुझे बताना भी पड़ेगा, आप ही सब खुद से बता दोगे. व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस सिंबल सिग्निफाई, बताना ये क्या सिग्निफाई करता है, ये और ये दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सी डी एफ ऑफ नॉर्मल 0.1, ये हम लोग का बेस्ट फ्रेंड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आर बेस्ट फ्रेंड. एंड दिस इज पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लिख लो इसको फटाफट मेरे साथ साथ. करेक्ट, मैं एक साइड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बना देती हूँ. ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सी डी एफ ऑफ इन्फिनिटी, व्हाट इज द सी डी एफ ऑफ जीरो and what is the CDF of minus infinity. This is what? This is the CDF of standard normal distribution. तो CDF of infinity क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, probability of z is less than infinity. क्या होगा, infinity के नीचे सारे numbers हैं तो probability will be 1. Similarly इस तरफ 0.5 है, इस तरफ 0.5 है, ये हमें पता है. तो सी डी एफ ऑफ जीरो इज 0.5, सी डी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट, इज जीरो. लिख लो इसको जल्दी से, वेरी सिंपल. ये अभी हम CS1 या फिर CT3 का रिविजन कर रहे हैं, देखने के लिए आपको कितने अच्छे से आता है. एक चीज और लिख लेते हैं हम, व्हाट इज इफ आई आस्क यू पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. याद है आपको कि टेबल बुक खोलना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो आज के क्लास के बाद ये याद हो जाएगा. रूट ओवर 2π ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिख लो इसको भी, लिख लो इसको भी. रूट ओवर 2π ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख लो पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर, अब इसके बाद हम करेंगे, तो ये हम लोग का बेस्ट फ्रेंड था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट. अब हम करेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फटाक से कॉपी कर लो सब लोग. This is just a revision which I am doing. And बहुत ही simple है first class हमारा. After this, we'll do log normal distribution. देखो ऐसे मत सोचना कि easy से हम difficult की ओर जा रहे हैं, नहीं, हम हमेशा easy में ही रहेंगे, सब कुछ easy है. log normal distribution, अगर मेरा हैंड राइटिंग हल्का नहीं समझ आए, वैसे तो अच्छी है हैंड राइटिंग. लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो इफ आई से दैट एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इफ आई से एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर,
तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं फिर? फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? log x follows क्या हो जाएगा? If I say x follows log normal mu comma sigma square, so log x will follow normal mu comma sigma square. Simple. CT3 division going on. Clear है? Clear है? किसी को पता है f x क्या होगा? PDF of log normal distribution. Table book खोलना पड़ेगा ना, तो आज के क्लास के बाद टेबल बुक खोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन को याद कर लेंगे. वेरी सिंपल. वन बाय में साथ साथ लिखना, वन बाय सिग्मा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर. बहुत सिंपल, याद नहीं करना है, याद हो ही जाएगा करते करते. पीडीएफ ऑफ, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पीडीएफ ऑफ लॉग नॉर्मल of log normal mu comma sigma square 1 by sigma root over square root of 2 pi multiplied by 1 by x multiplied by exponential half log x minus mu by sigma ka whole square. मैंने भी बिना देखे लिखा है. क्लियर है? अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ जो हम लोग आज करेंगे, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. So after this, once this is done, copy कर लो इसको. Once this is done, once we are done with this, we'll do a proof, very important proof. तो यहाँ पे लिख लेना, proof very important. This is given in page number 18 of table book. तो ये जो मैं लिख बोल रही हूँ ना, page numbers हमेशा ये लिखते रहो ताकि बाद में आपको table book ढूंढना ना पड़े कि कौन से page में क्या था. लिखते रहो page number 18 of table book. करेक्ट. तो आपको क्या प्रूफ करना है, अगर आप टेबल बुक खोल चुके ऑलरेडी, इफ आई से इंटीग्रेटिंग, मैंने ले लिया लिमिट्स यू एंड एल, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एक्स टू द पावर के एफ एक्स डी एक्स, ये मुझे निकालना है. वेयर लिख लो, वेयर एक्स फॉलोज log normal mu comma sigma square, where x follows log normal mu comma sigma square. यानी कि fx क्या है? fx है pdf of, मैं क्या बोल रही हूँ, x follows log normal mu comma sigma square, mu comma sigma square. करेक्ट. दिस इज इक्वल टू, टेबल बुक अगर आप देख रहे हो तो, के म्यू प्लस हाफ हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सी डी एफ ऑफ UK minus CDF of LK. Where, what is this UK and LK? UK is nothing but log of U minus mu by, U क्या है? ये अपर लिमिट है. ये अपर लिमिट है.
क्लियर, बाय सिग्मा माइनस के म्यू, के सिग्मा, एंड एल के क्या है, लॉग ऑफ एल माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा. लिख लो इसको. दिस इज द प्रूफ विच वी आर गोइंग टू डू नाउ. दिस इज द प्रूफ जो हम लोग करेंगे अभी क्लास में. क्लियर है? नाउ बेसिकली ये प्रूफ काफी आता था सीटी सिक्स में. जनरली जब क्लेम्स का मीन, जब हमने बोला जाए कि क्लेम अमाउंट्स फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका मीन वेरियंस कैलकुलेट करने जब बोला जाएगा तो हमें क्या निकालना होता है, हम मीन कैसे निकालते हैं, एक्स एफ एक्स, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा, तो वो जो हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर भी निकालना होता है, कभी एक्स टू दी पावर क्यूब भी निकालना होता है. तो ये सारा जब हमें निकालना होता है तो उसके लिए डेरिवेशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. जो अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 18. तो पेज नंबर 18 में ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस, बट अगर प्रूफ करने बोले तो ही हम करेंगे, एंड अगर मार्क्स ज़्यादा दिया हुआ है तो हम लोग प्रूफ करेंगे. इफ मार्क्स इज जनरली 4 मार्क्स है, 4 टू 5 मार्क्स है, तो हम लोग प्रूफ नहीं करते, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. देख के थोड़ा लग रहा है कि कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्टिंग अप्रोच मैं एक बार बता दूंगी तो समझ आ जाएगा. यहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ देख के आइडिया लग रहा है इधर से, यू कैन एल के देख के, लॉग ऑफ एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा. दिस इज, ये मैंने ले लिया टी, ये मैंने ले लिया टी, ठीक है. डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड, डी टी, दिस इज डी टी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय, बेसिकली मैंने डिफ्रेंशिएट करना है डी टी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा इधर, एक्स सिग्मा डी एक्स, ये आ गया डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पे ये हमारा बन गया एक इक्वेशन. तो कुछ समझ में आ रहे कि कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे. ऑल्सो इसके पहले ये देख लो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं. इसको हम यहाँ पे एक बार ब्रेक करके लिख रहे हैं ताकि हमें और सिंप्लीफाई कर सकें इसको. हम एल से लेके यू एक्स के एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ एक्स को एक बार हम ब्रेक करते हैं, एल से लेके यू एक्स टू द पावर के, एफ एक्स का हमने अभी लिखा था, एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज पी डी एफ ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय सिग्मा टू पाई का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय वन बाय एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर dx, ठीक है. तो ये हमें प्रूफ करना है, यहां से यहां आना है हमें RHS. हम ये यहां से स्टार्ट करें, हम यहां से स्टार्ट करें, दिस इज आर LHS, दिस इज आर LHS. क्लियर है? सो दिस इज आर LHS, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. अब इसके बाद मैंने क्या बोला, क्या अज्यूम करेंगे, t इक्वल टू लॉग x माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस सिग्मा के, ये मैंने अज्यूम किया है. दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं dt, ये क्या हो जाएगा, x सिग्मा dx.
तो दिस इज आर वन इक्वेशन. एंड यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे क्या दिया हुआ है, x एंड सिग्मा dx, इसके जगह पे क्या सब्सिट्यूट हो जाएगा, dt सब्सिट्यूट हो जाएगा. क्लियर है, dt सब्सिट्यूट हो जाएगा. और अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को. यहाँ पे t प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू log x माइनस म्यू बाय सिग्मा. क्लियर है, हमें x चाहिए ना, हमें यहाँ पे x चाहिए, तो x लाना है हमें. कैसे लेंगे, t प्लस सिग्मा k, सिग्मा विच इज इक्वल टू log x माइनस म्यू, t प्लस सिग्मा k, सिग्मा प्लस म्यू, दिस थिंग इज इक्वल टू log x. क्लियर है, एंड इफ आई से x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ t प्लस सिग्मा k, सिग्मा प्लस म्यू. ठीक है, x को हमने निकाल लिया, x को तो हमने निकाल लिया, पर हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, वॉट वी हैव टू डू. ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ से हमें कहाँ आना है, इधर आना है, करेक्ट. तो अभी हमें इसको पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करना है. ये जो पूरा इंटीग्रल है जिसको मैंने ब्लू से दिखाया है, इसको पूरे को हमें सॉल्व करना है. के एक्स चाहिए हमें, तो के एक्स भी निकाल लेते हैं, एक्स टू दी पार के, सॉरी एक्स टू दी पार के चाहिए. अब इसको कैसे लिखेंगे, एनी थिंग, अगर अब मैं ये बोलूँ e टू दी पार ए, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टू दी पार एक्स, कैन दिस बी रिटन एज लाइक दिस, e टू दी पार ए के, येस ऑब्वियसली इट कैन बी. तो हम क्या करेंगे, अंदर एक्सपोनेंशियल के अंदर k से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, k से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा k प्लस म्यू k. क्लियर हो रहा है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर टू. लिख लो, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर टू. नाउ वील बी सब्सटीट्यूटिंग ऑल ऑफ दीज इन आर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन आर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, चलो आ जाओ सब्सटीट्यूट करते हैं. सो नाउ वील बी सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज. इसको बना लो इक्वेशन थ्री. ठीक है, एक बार के लिए हम इसको इक्वेशन थ्री ले लेते हैं. वील बी सब्सिट्यूटिंग इन इक्वेशन थ्री, करेक्ट है. ठीक है, चलो करते हैं सब्सिट्यूट. तो यहाँ पे एक्स टू दी पार के हमने निकाल लिया है, एक्स टू दी पार के हमने निकाल लिया, वन डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, डी टी हो गया. ठीक है, और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लॉग एक्स माइनस म्यू, लॉग एक्स माइनस म्यू, ये वाला जो पोर्शन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा इज नथिंग बट दिस थिंग ओवर हियर, टी प्लस सिग्मा के, सब कुछ सब्सिट्यूट हो गया, एक्स के सारे वैल्यू सब्सिट्यूट हो गए. सो जब हम सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें एल और यू को भी सब्सिट्यूट करना है, लिमिट्स को भी. सो वेन एक्स इज एल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर टी इट विल बिकम एल के, वेर एल के इज वॉट, लॉग एल जो हमने यहाँ पे लिखा है, वॉट विल बी एल के, log l minus mu divided by sigma minus k sigma. Similarly, when x is u, t के लिए it will become u k. ठीक है, log u minus, लिख लेना, log u minus mu divided by sigma minus k mu, k sigma. Clear है, clear है. तो अब हम लोग substitute करते हैं, करके सारा values in our LHS. This is LK, this is UK,
एक्स टू द पावर के की जगह पे ये पूरा सब्सिट्यूट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टी प्लस सिग्मा के प्लस म्यू के, फिर वन बाय टू, फिर क्या दिया हुआ है, वन बाय टू पाई का स्क्वायर रूट, फिर क्या दिया हुआ है, ये पूरा चीज एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है इसको भी हमने देखा कैसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हाफ माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, टी प्लस सिग्मा के का होल स्क्वायर डी टी, डी टी कैसे आया, डी टी कैसे आया, डी एक्स बाय सिग्मा एक्स, डी एक्स बाय सिग्मा एक्स से क्या आया, डी टी आ गया, क्लियर है ये पूरा सब्सिट्यूशन प्रोसेस कैसे हमने सब्सिट्यूट करा, सारे वैल्यूज को देख लो एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो कैसे हमने सब्सिट्यूट किया है पूरे चीज को, ठीक है। लिमिट्स को चेंज करना मत भूलना, व्हेन वी सब्सिट्यूट वी ऑलवेज चेंज द लिमिट्स एज वेल, तो देख लो कैसे हमने पूरे चीज को सब्सिट्यूट किया है, ओके। सो वंस वी डू दिस आफ्टर दिस इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यूज टी से रिलेटेड नहीं है, सो यहाँ पे आर वेरिएबल इज टी, वो बाहर चला जाएगा, सारे कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर ले लेते हैं, तो बाहर कौन कौन से वैल्यूज आ जाएंगे, वन बाय टू पाई, ठीक है, ये आ गया अभी बाहर, बाकी को एक बार अंदर ही रहने देते हैं, एल के बाई टू यू के, एल के एंड यू के एंड यहाँ पे अंदर आ गया एक्सपोनेंशियल, इसको खोल दो, पूरे एक्सपोनेंशियल को खोल लेते हैं अब हम लोग, टी सिग्मा के प्लस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस म्यू के, इसको भी ब्रेक कर दो, हाफ टी स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टी सिग्मा के, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या आएगा, टू टी सिग्मा के, टू एंड टू कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस टी सिग्मा के, देख लो दिस इज आर एंटायर एक्सपोनेंशियल, जो भी वैल्यूज कट रहे हैं उसको काट देंगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं और तो कुछ नहीं कट रहा, और तो कुछ नहीं कट रहा शायद, देख लो एक बार, अब इसको सॉल्व करते हैं, एल के यू के टू पाई एक्सपोनेंशियल, सॉल्व करो ये एंड ये, तो ये क्या हो गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस म्यू के माइनस हाफ टी स्क्वायर, करेक्ट, ये आया, ये आया, ये आ गया, नाउ लेट अस टेक आउट ऑल द वैल्यूज विच आर नॉट टी, कॉन्स्टेंट को सबको बाहर ले लेते हैं, तो बाहर किसको किसको ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हाफ स्क्वायर के स्क्वायर प्लस म्यू के, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एल के यू के वन बाय टू पाई का स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल हाफ टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ हिंट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हिंट दिख रहा है, एकदम फर्स्ट लाइन में जाना, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने प्रूफ, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने प्रूफ, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, ये कुछ समझ में आ रहा है, ये देख के कुछ समझ में आ रहा है, e टू द पावर k म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर k स्क्वायर, ये वाला जो पूरा पोर्शन है क्या ये हमने बाहर निकाल लिया इधर, क्या ये हमने बाहर निकाल लिया इधर, निकाल लिया, तो एक पोर्शन हमारा आ चुका है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वन बाय टू पाई का स्क्वायर रूट ई टू द पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा था ऊपर, पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस, देख लो एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस. आराम से कॉपी करो इसको. इसके बाद बस दो स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा अब. सो दिस इज ई टू द पावर म्यू के प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. और ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं. दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने इधर बना दिया है. नाउ कैन वी से एल के यहाँ पे ले लेते हैं यू के. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. दिस एंटायर रीजन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, जो मैंने शेड कर दिया अंदर. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ये पूरा पीडीएफ इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, एल के यू के पीडीएफ ले रहा है ना हम अंदर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एरिया विच आई हैव मार्क्ड हियर. करेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या ऐसे निकाल सकते हो, ब्रेक कर सकते हो. ये पूरा चीज़ सी डी एफ ऑफ यू के माइनस सी डी एफ ऑफ एल के कर सकते हैं ऐसे. सी डी एफ को कैसे लिखते हैं, यू के माइनस सी डी एफ ऑफ एल के, क्या ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं. क्लियर, ये हमें निकालना है. तो मैं इसको शॉर्ट में करके दिखा देती हूँ. माइनस इन्फिनिटी से यू के वन बाई टू पाई ई टू द पावर हाफ टी स्क्वायर डी टी माइनस ऑफ, एक बार मैं इसको हटाती हूँ, नीचे लिख देती हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से एल के वन बाई टू पाई, हमने ब्रेक कर दिया एक्चुअली, ई टू द पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, हमने इसको ब्रेक कर दिया, इस इक्वेशन को हमने ब्रेक कर दिया. क्लियर है, एल के से यू के तक था, हमने इसको ब्रेक कैसे किया है, हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है, यहाँ देखो हमने इसको ऐसे ब्रेक करा है, माइनस इन्फिनिटी से यू के, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको दूसरे कलर में लिख देती हूँ, माइनस इन्फिनिटी से एल के. क्लियर है, ये हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. बस एक लाइन और एंड वील बी डन विद अ प्रूफ. क्या हो जाएगा, ई टू द पावर म्यू के प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एंड अंदर में क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस एंड दिस. ये क्या है, पहले वाला क्या है, सी डी एफ ऑफ यू के माइनस सी डी एफ ऑफ एल के. क्लियर है, दिस इज सी डी एफ ऑफ एल के, दिस इज सी डी एफ ऑफ यू के. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सो माइनस इन्फिनिटी से यू के विच इज़ नथिंग बट सी डी एफ ऑफ यू के, माइनस इन्फिनिटी से एल के विच इज़ नथिंग बट सी डी एफ ऑफ एल के. क्लियर है ये. और जहाँ पे यू के और एल के क्या है, लॉग यू माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के म्यू, के सिग्मा सॉरी, सिमिलरली एल के. तो दिस इज आर प्रूफ. तो ये हमारा RHS हो गया, therefore वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट. चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, आई विल जस्ट
कॉपी कर लो आराम से. टेक योर टाइम एंड एकदम स्लोली इसको कॉपी कर लो. बस इसके बाद एक छोटा सा सम करेंगे एंड वील बी डन विद आवर फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो इसके बाद आई विल गिव यू अ स्मॉल सम टू डू. स्मॉल सम, एक सम ले लो. सपोज आई एम आस्किंग यू के इज 1, एल इज 0, यू इज इन्फिनिटी. U is infinity. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये था पूरा इक्वेशन. मैं इक्वेशन आपके लिए फिर से लिख दे रही हूँ. L से U, fx, dx, which is equal to, जो हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव करा है. e टू द पावर म्यू के प्लस हाफ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सी डी एफ ऑफ यू के माइनस सी डी एफ ऑफ एल के. चलो इसको निकालो, सॉल्व करो इसको. बेसिकली आपको सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको फिर से डाल दे रही हूँ इधर. एल इज 0, यू इज इन्फिनिटी, x टू दी पावर 1 है, सो x एफ एक्स डी एक्स. ये आपको सॉल्व करना है इस सारे में सब्सिट्यूट करके. कैसे सब्सिट्यूट करेंगे? चलो सब्सिट्यूट करो. e टू दी पावर म्यू के क्या है, 1 नहीं लेना है, प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर इज अगेन 1, सी डी एफ ऑफ यू के. यू के क्या है, यू के निकालो. यू के इज लॉग ऑफ यू, यू इज इन्फिनिटी माइनस लॉग ऑफ इन्फिनिटी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा. चलो निकालो ये क्या आएगा, खुद से निकालो, मैं नहीं बता रही हूँ. एल के इक्वल टू लॉग ऑफ, एल क्या है 0, तो लॉग ऑफ 0 माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा. ये क्या हो जाएगा, चलो निकालो. व्हाट इज लॉग इन्फिनिटी, मैंने किया था अभी. लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस म्यू, इन्फिनिटी माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस के सिग्मा. तो क्या आएगा फाइनल आंसर, इन्फिनिटी आएगा. तो यूके क्या हो गया, यूके क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया. यूके क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया. क्लियर है? सिमिलरली लॉग जीरो क्या है, लॉग जीरो क्या है, माइनस इन्फिनिटी. सो माइनस इन्फिनिटी, ऊपर पेजेस फ्लिप करके देखो, हमने किया है स्टार्टिंग में माइनस के सिग्मा. तो क्या हो गया ये, माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाय सिग्मा इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस के सिग्मा इज अगेन माइनस इन्फिनिटी. तो एल के क्या आ गया, एल के क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी. एंड ये क्या है, सी डी एफ ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो सी डी एफ ऑफ सिग्मा इज, सी डी एफ ऑफ इन्फिनिटी इज 1, सी डी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज 0. फाइनल आंसर विच वी गेट इज ई टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. ये क्या है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मीन ऑफ लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. वही हमने प्रूव किया है, देख लो, यही हम निकाल रहे हैं. जीरो से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, विच इज एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ
लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो दिस प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस कर लो तो आपको याद ही हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या लेना था, बस क्या देखना था, व्हाट वाज आवर मेन मोटो। टी वाला अगर आपको समझ में आ जाए, टी वाला अगर आपको क्लियर हो जाए कि टी क्या है, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सब्सिट्यूट करना ही अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप पूरे चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ योर सम, प्रूफ लिख लेना जल्दी से, एंड दिस इज योर सम। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, प्रूफ एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रूफ, पेज 18 में दिया हुआ है, उसका जस्ट 4-5 लाइन्स का प्रूफ है, जिसमें हमने ये लेना है कि टी को क्या सब्सिट्यूट करना है, बस ये एक बार पता चल जाएगा तो हम पूरे सम को सॉल्व कर सकते हैं, पूरे प्रूफ को खुद से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, नेक्स्ट क्लास वील डू परेटो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ठीक है, ओके।